सुप्रभात। चलिए हम आज अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। तो आप लोग हिंदी की पाठ्य पुस्तक निकालिए और हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं हिंदी में। गद्य खंड में आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 मातृभूमि का मान, जो एक एकांकी है और इसके लेखक हैं हनुमान। अब हम देखते हैं मातृभूमि के मान का पाठ सारांश या केंद्रीय भाव इसका क्या है। तो मातृभूमि का मान ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एक एकांकी है। हमने बताया ना, यह एकांकी विधा पर आधारित है। यह एकांकी देश प्रेम की प्रेरणा देता है। क्यों? क्योंकि नाम से ही इसका हमको समझ में आ रहा है, मातृभूमि का नाम, इसलिए यह कैसी प्रेरणा देती है, एकांकी देश प्रेम की प्रेरणा देता है। और मातृभूमि की सेवा के लिए आन बान शान से प्राणों को न्योछावर करने की भावना को जागृत करता है। इस एकांकी में खाना राजपूत वीर सिंह के बलिदान का शौर्यपूर्ण वर्णन है। मेवाड़ के नरेश महाराणा नाखा ने सेनापति अभय सिंह से बूंदी के राव के मुंह के पास यह संदेश भेजा था, वह मेवाड़ की अधीनता स्वीकार कर। ऐसा न करने से राजपूतों की संगठन शक्ति छिन्न भिन्न हो जाएगी। लेकिन हेमू राव को महाराणा लाखा का यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि बूंदी स्वतंत्र रहकर भी महाराणाओं का सम्मान तो कर सकता है, लेकिन वह किसी के अधीन रहकर सेवा कर कदापि नहीं कर सकता। और उन्होंने यह भी कहा कि हाड़ा प्रेम एक अनुशासन के पुजारी है। काहे के प्रेम और अनुशासन के पुजारी हैं, शक्ति के नहीं। वे उनका प्रस्ताव नहीं मानते हैं। तभी महाराणा लाखा ने यह प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक मैं बूंदी से पराजित होने के कलंक को धो नहीं दूंगा तथा सेना सहित बूंदी के दुर्ग में प्रवेश नहीं करूंगा, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। महाराणा लाखा की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए नकली बूंदी का दुर्ग बनाकर उस पर विजय पताका फहरा दी गई। वीर सिंह को अपनी मातृभूमि का अपमान अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, चाहे वह नकली दुर्ग ही था, इस प्रकार वीर सिंह ने नकली बूंदी के दुर्ग की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया और मातृभूमि के मान को बढ़ाया। वास्तव में यह एक शिक्षाप्रद एवं ऐतिहासिक एकांकी है। यह एकांकी मान मर्यादा देश प्रेम का ज्वलंत उदाहरण है। इसके अतिरिक्त राजपूतों की एकता की शक्ति व मान मर्यादा एवं प्रतिष्ठा का भी यह परिचायक है। अब हम देखते हैं यहाँ पद पहला अपठित गद्यांश जो है, तो पहला है पद प्रेम का अनुशासन मानने को हाड़ा वंश सदा तैयार है, शक्ति का नहीं। मेवाड़ के महाराणा को यदि अपने ही जाति भाइयों पर तलवार आजमाने की इच्छा हुई है तो उससे उन्हें कोई रोक नहीं सकता। बूंदी स्वतंत्र राज्य है और स्वतंत्र रहकर वह महाराणाओं का आदर करता रहेगा और अधीन होकर किसी की सेवा करना बूंदी पसंद नहीं करता। तो कठिन शब्दों के अर्थ है अनुशासन आज्ञा या नियंत्रण, अधीन मतलब के गुलाम। संदर्भ की प्रस्तुत गद्यांश मातृभूमि के मान एकांकी से लिया गया है, जिसके लेखक हरि कृष्ण प्रेमी है। प्रसंग के इस अंश में हाड़ा वंश का राजा राव हेमू अपनी स्वाधीनता की रक्षा की प्रतिज्ञा करते हैं और व्याख्या है कि अभय सिंह के मेवाड़ के अधीन होने के प्रस्ताव पर राव हेमू अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त
हम हारा वंश प्रेम का अनुशासन का को मानने को तैयार हैं। क्या है, हम प्रेम का अनुशासन मानने को तैयार हैं, पर किसी की दबाव या दोष या शक्ति को मानने के लिए तैयार नहीं है। मेवाड़ के महाराणा को यदि अपने भाइयों पर भी तलवार चलाने की इच्छा है तो उससे उन्हें कौन रोक सकता है, वे चलाएं। लेकिन यह बात अच्छी तरह सोच ले कि बूंदी एक स्वतंत्र राज्य है और वह स्वतंत्र रहकर ही महाराणाओं का आदर कर सकता है। वह गुलाम बनकर किसी की सेवा करना पसंद नहीं करता। अब इसका विशेष है कि हेमू अपने स्वाभिमान की बात करता है। अब है पद दूसरा, देखते हैं कि दूसरा पद क्या है। जिनकी खाल मोटी होती है उनके लिए किसी भी बात में कोई भी अपयश, कलंक या अपमान का कारण नहीं होता, किंतु जो आन को प्राणों से बढ़कर समझते आए हैं वे पराजय का मुख देखकर भी जीवित रहे या किसी उपहासजनक या कैसी उपहासजनक बात है। अब हम कठिन शब्दों के अर्थों को देखते हैं तो अपयश मतलब बदनामी, आन मतलब इज्जत और मान सम्मान। संदर्भ वही पूर्व की भांति है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे मातृभूमि के मान से लिया गया है। और फिर है प्रसंग की इस अंश में महाराणा का प्राश्चित्य व्यक्त हुआ है। व्याख्या देखते हैं कि महाराणा अभय सिंह से कहते हैं कि जिनकी खाल मोटी होती है, अर्थात जो अपनी आन मर्यादा पर नहीं डटते, उनके लिए किसी भी बात में कोई भी अपयश, कलंक या अपमान का कोई महत्व नहीं होता। परंतु जो आन या मर्यादा को अपने प्राणों से भी बढ़कर मानते आए हैं, अर्थात हमारे वंश की यह परंपरा रही है कि हमने अपनी आन और मर्यादा के लिए सब कुछ त्याग दिया है और आज उन्हीं के वंशधारा वंशियों से पराजित होकर जीवित रहे, यह निश्चय ही उपहास की बात है। अब देखते हैं आगे वाला पद तीन। ये सागर से रत्न निकाले, युग युग से हैं गए संभाले, इनसे दुनिया में उजियाला तोड़ मोतियों की मतमाला, ये छाती में छेद कराकर एक हुए हैं हृदय मिलाकर, इनमें व्यर्थ भेद क्यों डाला तोड़ मोतियों की मतमाला। अब हम कठिन शब्दार्थ देखते हैं। संभालने का मतलब संजोकर रखे गए हैं, व्यर्थ मतलब बेकार। संदर्भ पूर्व की भांति प्रसंग है कि यह चारिणी द्वारा गाया हुआ गीत है जिसमें वह संपूर्ण राजस्थान की एकता की बात करता है। यह कैसा गीत है? चारिणी गीत है जो राजस्थान में गाया जाता है। अब है व्याख्या कि चारिणी गीत गाते हुए महाराणा को कुछ संदेश देते हुए कहते हैं कि आज राजस्थान की भूमि पर जितने भी राजा हैं वे सब सागर से निकाले गए श्रेष्ठ रत्न है और युगों से इन्हें संभाल कर रखा गया है। इनकी शक्ति एवं पराक्रम का उजाला सब ओर छाया है, अतः किसी को भी मोतियों की माला को तोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आगे चारिणी कहती है कि अनेक कष्टों एवं विपत्तियों को झेलकर बड़ी मुश्किल से ये एक हुए हैं, अतः इनमें अब फूट मत डालो, इस सुंदर मोतियों की माला को मत तोड़ो। भाव यह है कि राजस्थान के वीर राजाओं में बड़ी मुश्किल से एकता बनी है, अतः किसी भी राजा को उस एकता को तोड़ने का अधिकार नहीं है। विशेष है कि चारिणी अपने गीत में राजपूतों को एकता का पाठ पढ़ाना चाहती है। अब देखते हैं आगे।
आगे का इसमें आगे का पद पांच कि हम युग युग से एक हैं और एक रहेंगे। आपको यह जानने की आवश्यक थी कि राजपूतों में ना कोई राजा है ना कोई महाराजा, सब देश एक जाति और वंश की मान रक्षा के लिए प्राण देने वाले सैनिक हैं। हमारी ताकत अपने ही स्वजनों पर न उठानी चाहिए, हमारी तलवार अपने ही स्वजनों पर न उठनी चाहिए। बूंदे के हाड़ा सुख और दुख में चित्तौड़ के सिसोदियों के साथ रहे हैं और रहेंगे। हम सब राजपूत अग्नि के पुत्र हैं, हम सबके हृदय में एक ज्वाला जल रही है। हम कैसे एक दूसरे से अलग हो सकते हैं? वीर सिंह के बलिदान ने हमें जन्मभूमि का मान करना सिखाया। अब इस पद के कठिन शब्दों के अर्थों को देखते हैं। स्वजन मतलब अपने ही लोग, अग्नि के पुत्र सूर्यवंशी हैं, प्रथम मतलब अलग, बलिदान का मतलब त्याग। प्रसन्न है कि इस अवतरण में बूंदी के शासक राव हेमू का समस्त राजपूत राजाओं को एक एकता का पाठ पढ़ाने का संदेश है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि महाराणा द्वारा नकली बूंदी के युद्ध का एक खेल खेला गया और वह खेल खेले जाने पर जब वीर सिंह की मृत्यु हो गई तो महाराणा पश्चाताप करने लगा। इसी प्रकार इसी पर राव हेमू भी राजपूतों की एकता की बात कहते हैं कि हम सब राजपूत युगों युगों से एक हैं और आगे भी एक ही रहेंगे। राव हेमू आगे कहता है कि राजपूतों में ना कोई राजा है ना कोई महाराजा, हम सब राजपूत तो देश जाति और वंश का मान सम्मान और रक्षा के लिए प्राण देने वाले सैनिक हैं। हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हमारी तलवारें अपने ही लोगों पर ना उठें। तो बूंदी के हाला सुख और दुख में चित्तौड़ के सिसोदियों के साथ रह रहे हैं और आगे भी रहेंगे। हम सभी राजपूत सूर्य के वंशज हैं, हम सबके हृदय में एक ही ज्वाला जल रही है। हम कैसे एक दूसरे को से अलग हो सकते हैं? वीर सिंह के त्याग ने हमें जन्मभूमि मातृभूमि का सम्मान करना सिखाया है। राव हेमू उदारी उदारवादी शासक है और वह सभी को साथ लेकर चलना चाहता है। अब है प्रश्नोत्तर एक शब्द या वाक्य में। तो मातृभूमि का मान एकांकी का प्रमुख पात्र कौन है? तो मान मातृभूमि मान का प्रमुख एकांकी का प्रमुख पात्र वीर सिंह है। वीर सिंह है। फिर है दूसरा, मेवाड़ के सेनापति कौन है? तो मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह थे। अभय सिंह थे। फिर है, मुट्ठी भर हाड़ाओं को किसने पराजित किया था? तो मुट्ठी भर हाड़ाओं को महाराणा लाखा ने महाराणा लाखा ने पराजित किया था। फिर है, वीर सिंह की मातृभूमि का नाम क्या था? वीर सिंह की मातृभूमि का नाम बूंदी था। मातृभूमि का मान एकांकी के लेखक हरि कृष्ण प्रेमी थे और मातृभूमि का मान किसने रखा? मातृभूमि का नाम मान वीर सिंह ने रखा। अब है अति लघुतरी प्रश्न है, तो बूंदी के राव मेवाड़ के अधीन क्यों नहीं रहना चाहते थे? बूंदी के राव मेवाड़ के अधीन क्यों नहीं रहना चाहते थे? तो बूंदी के राव मेवाड़ के अधीन नहीं रहना चाहते थे क्योंकि वे स्वतंत्रता में विश्वास रखते थे, किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करते थे। इसलिए वह बूंदी राव मेवाड़ के अधीन में नहीं रहना चाहते। फिर प्रश्न दूसरा कि मुट्ठी भर हाड़ाओं को किसने पराजित किया था? तो किसने किया था? राणा लाख।
शासन का अभाव हमारे देश के टुकड़े किए हुए है, यह कथन किसका था? तो यह कथन कि अनुशासन का अभाव हमारे देश के टुकड़े किए हुए हैं, यह कथन महाराणा लाखा के विश्वासपात्र दरबारी अभय सिंह का था। फिर महाराणा लाखा वीर सिंह किस गुण से प्रसन्न हुए? तो महाराणा लाखा वीर सिंह की विधिता के गुण से प्रसन्न हुए। फिर लघुत्तरी प्रश्न है कि महाराणा लाखा ने कौन सी प्रतिज्ञा की थी? तो प्रतिज्ञा की थी महाराणा लाखा ने कि जब तक बूंदी के दुर्ग से मैं ससैन्य प्रवेश नहीं करूंगा, अन्य जल ग्रहण नहीं करूंगा। विचारिणी ने राजपूत शक्तियों के विषय में महाराणा से क्या कहा था? चारणी ने महाराणा से कहा था कि आप खारा वंश की दृष्टता को भूल जाएं और राजपूत शक्तियों में स्नेह का संबंध बना रहने दें। चारणी क्या है? राजस्थान में का गीत है, चारणी गीत। फिर है प्रश्न कि वीर सिंह ने जन्मभूमि की रक्षा के विषय में अपने साथियों से क्या कहा था? वीर सिंह ने कहा था कि जिस जन्मभूमि की गोद में खेलकर हम बड़े हुए हैं, उसके अपमान को हम किसी भी कीमत में सहन नहीं कर सकते। वीर सिंह ने अपने साथियों से कहा कि तुम अग्नि कुल के अंगारे हो, अपने वंश की शान को कमजोर मत होने देना। प्रतिज्ञा करो कि जब तक हमारे शरीर में प्राण है, तब तक इस दुर्ग बूंदी का नकली दुर्ग पर हम मेवाड़ राज्य पताका को स्थापित नहीं होने देंगे। अब आगे का प्रश्न है कि महाराणा अपनी विजय को पराजय क्यों कहते थे? उत्तर है, महाराणा अपनी विजय को पराजय इसलिए कहते थे क्योंकि उनके व्यर्थ के अभिमान और विवेक की प्रतिज्ञा ने कितने ही निर्दोष प्राणों की बलि ले ली थी और महाराणा को वीर सिंह जैसे देशभक्त और बहादुर युवक की मृत्यु का भी बहुत अफसोस था। अब है प्रश्न कि वीर सिंह का चरित्र मातृभूमि की सम्मान की शिक्षा देता है, इस कथन को सिद्ध करें। वीर सिंह मेवाड़ के महाराणा लाखा के यहाँ नौकर था, बूंदी राज्य उसकी जन्मभूमि थी और उससे जब पता लगता है कि महाराणा लाखा ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने हेतु बूंदी का नकली दुर्ग बनवाया है, उस पर चढ़ाई करके उसे मिट्टी में मिला देना चाहते हैं, तो वह इस बात को सहन नहीं कर पाए। उसने अपने साथियों से कहा कि नकली बूंदी भी हमें प्राणों से अधिक प्रिय है और हम लोग अपनी मातृभूमि का अपमान नहीं होने देंगे। लेकिन जब उसके साथियों ने उससे कहा कि हम महाराणा के नौकर हैं, हमारा शरीर महाराणा को नमक से बना है, अतः हमें उनके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए, इस पर वीर सिंह कहता है कि जब कभी मेवाड़ की स्वतंत्रता पर आक्रमण हुआ, हमारे चलवार ने उनके नमक का बदला दिया, परंतु अब मेवाड़ और बूंदी के मान का प्रश्न आया है, तो हम मेवाड़ को दी हुई तलवार है महाराजा के चरणों में चुपचाप रख कर विदा लेंगे और बूंदी की ओर से अपने प्राणों का बलिदान देंगे। अंततः वीर सिंह ने अपनी मातृभूमि के सम्मान की रक्षा हेतु अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। अब है प्रश्न कि अभय सिंह के चरित्र की विशेषताएं। पहला है स्वाभिमानी वीर। पहली विशेषता है स्वाभिमानी वीर। चित्तौड़ के महाराणा लाखा में स्वाभिमान का भाव कूट कूट कर भरा था। बूंदी के हाड़ा द्वारा पराजित होने पर अपने वंश को कलंकित अनुभव करते हैं
और उस कलंक से छुटकारा पाने की प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक मैं यह बूंदी के दुर्ग में सैन्य प्रवेश नहीं करूंगा, अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा। फिर दूसरी विशेषता है उनकी सहृदय माधव। तो महाराणा नाखा बड़े सहृदय व्यक्ति थे। वे अपनी प्रतिज्ञा रखने के लिए बूंदी का नकली दुर्ग बनाकर उस पर विजय प्राप्त तो करते, परंतु उसके लिए भी रक्षा में मारे गए वीर सिंह और सिपाहियों के रक्तपात से वे द्रवित हो उठे थे, वे दुखी हो उठे थे। फिर कि मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह के चरित्र की विशेषताओं में है कुशल सेना नायक। अभय सिंह अपने पद के अनुरूप कार्य संभालने में निपुण है। वे महाराणा की प्रतिज्ञा रक्षा के लिए बूंदी के नकली दुर्ग की व्यवस्था तुरंत करते हैं और सैनिकों को उस पर विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध करने को भेजते हैं। वे युद्ध का संचालन करने में भी समझदारी से काम लेते हैं। फिर राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत तो अभय सिंह में राष्ट्रीयता की भावना फूट फूट कर भरी है और वे मेवाड़ के सेनापति हैं। मेवाड़ के सम्मान को बढ़ाने का वे हर प्रयास करते हैं। वे बूंदी के राव हेमू को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते हैं। अब यहाँ पर है सामासिक पदों का विग्रह कर समास लिखिए। तो पहला है राजपूत। राजपूत का समास विग्रह आएगा राजा का पूत। ये कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। फिर है जन्मभूमि, जन्म की भूमि, ये भी है तत्पुरुष समास। महाराजा, महान राजा, कर्मधारय समास। सेनापति, सेना का पति, तत्पुरुष। वाण वर्षा, वाणों की वर्षा। आदर भाव, आदर का भाव, ये सब क्या है? तत्पुरुष समास के उदाहरण। अब ये प्रश्न बहुव्रीहि समास का उदाहरण देकर समझाइए। ये हमने आपको समास में पहले बताया था कि बहुव्रीहि समास जिस समास में पूर्व एवं उत्तर पद के अतिरिक्त कोई अन्य पद प्रधान होता है बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे पंचानन, पांच मुख वाला। शिव, लंबोदर, लंबा है उदर जिनका। बच्चों आज ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है और जो हमने आज यहाँ पर पढ़ा है वह आपकी पाठ्य पुस्तक में भी है। तो आप इसके सारे प्रश्न उत्तर हैं अपनी कॉपी में नोट करेंगे, याद भी करेंगे और बहुत अच्छे से याद करना। बच्चों मेहनत करिए, परीक्षा का समय नज़दीक आ रहा है और आप सबको बहुत अच्छे नंबरों से पास होना है।